1000-2000 बैक टू बैक होता रहे और हम ऐसे ही आप सभी से रूबरू हो और अपना एक्सपीरियंस बताएं और अच्छा लगता है एंड ऐसे ही चलता रहे हमारा ये सिलसिला आप सबके साथ साथ। हमने 900 एपिसोड पूरे किए हैं और जल्दी हम 1000 एपिसोड पे भी मिलने वाले हैं यार। खुशी हो रही है यार, हर किसी को खुशी होती है जब उसका शो ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता है। ये 9 इधर आएगा फोटो शूट के हिसाब से। अरे पर सब इधर है ना। एपिसोड पूरे हुए हैं नथ कृष्णा और गौरी की कहानी के, बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल बहुत जल्दी जल्दी शोज बंद होते हैं एंड इट्स अ आई वुड से इट्स अ माइलस्टोन। और भी हमें बहुत सारे एपिसोड्स कंप्लीट करने हैं, 1000 भी करने हैं, उससे ज़्यादा भी करने हैं, लेकिन फिलहाल ये खुशी मना लेते हैं और अच्छे आपको एपिसोड्स लाकर देंगे। एंड ढेर सारा शुक्रिया हमारी सारी ऑडियंस का, हमारे फैंस का, जिन्होंने इतना प्यार दिया हमारे शो को, हम सबको। और इसी तरह बने रहिए हमारे शो के साथ, देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। सेम इसने जो बोला क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कॉपी पेस्ट पर नहीं, मैं यही कहूँगी कि मेरी तरफ से नथ की पूरी टीम को बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि और मैं इस टीम की पार्ट हूँ। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी टीम है और कुछ ना कुछ रोज़ लोगों को इस तरह से एंटरटेन करना, स्टोरी के हिसाब से हुक्ड रखना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये फुल क्रेडिट जाता है फुली टीम को एंड यही इसी तरह से आप देखते रहिए नथ कृष्णा गौरी की कहानी और ढेर सारा प्यार देते रहिए। यही तो खास बात है हमारी। तो हम अदाकाराएँ हैं। अदाकारा देखिए, हम इतने पॉजिटिव दिखते हैं, हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत पॉजिटिव हैं। हम निजी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम नहीं करते कि किसी के पानी में कुछ मिला दिया, किसी को गिरा दिया, किसी के बाल खींच। नहीं नहीं नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत खुश है। हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, सबसे दूर रहते हैं, अपने में ठीक है और बहुत ही अपने में रहते हैं। हम बस मज़े करते हैं। कुछ खाने के लिए आया क्या? हाँ, केक आया है। बाद में देना दादा, रखना। हाँ, देखिए हम लोग केक के बहुत शौकीन हैं, इसलिए हम लोग हर बार पार्टियाँ करते रहते हैं और केक कटिंग्स हो और ऐसे 1000-2000 बैक टू बैक होता रहे और हम ऐसे ही आप सभी से रूबरू हो और अपना एक्सपीरियंस बताएं और अच्छा लगता है एंड ऐसे ही चलता रहे हमारा ये सिलसिला आप सबके साथ साथ। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लाइक वी आर लाइक, हम लोग सेट के बाद लाइक जैसे लंच ब्रेक में इसमें हम मिलते और हैं एंड शूट भी जाते थे इधर उधर कई बार कुछ ना कुछ करके। सो इट इज़ ऑलवेज बीन, डेफिनेटली मिस तो करती हूँ बट आई एम हैप्पी कि शो इज़ गोइंग एंड आई वाज पार्ट ऑफ दिस शो एंड आगे क्या होगा वो नहीं मुझे पता बट कुछ तो होने वाला है कि नहीं है एंड बस ऑफकोर्स मैं सभी को मिस करती हूँ एंड बट मुझे अच्छा लगता है जब मैं इनको देखती हूँ पर्दे पे लाइक व्हेन आई एम वाचिंग देम। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम इसे सोशल मीडिया पे देखते हैं प्रॉपर जिम में, आजकल शी इज लाइक गोइंग ऑन इन जिम एंड डूइंग हर वर्कआउट और हम लोग ऐसे होते हैं सेट पे देखे वाओ यार ये जिम आज भी गई है, ये आज भी वर्कआउट कर रही है, हमारे सामने कैलोरीज होते हैं, मुझे थोड़ा दूर कर।
नो इट इज़ लाइक दैट कि अभी थोड़ा सा टाइम मिला है खुद के लिए, सो आई एम जस्ट डूइंग इट, बट ऑफकोर्स मैं बहुत खुश होती हूँ इन लोगों को देख के, एंड ऐसे ही ये शो चलता रहे. या बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब मैं आई थी तब आई थिंक 700 एपिसोड कंप्लीट हो रहा था, फिर जब मैं बीच में थी 80 केक कट रहा था, 800 एपिसोड है, आज भी मैं आई हूँ 900 एपिसोड हो गया है. सो बहुत ही एक अलग ही एक एहसास है, क्योंकि फर्स्ट डे से सबकी बॉन्डिंग एक अलग हो गई है, सबकी एक हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, एंड काम करने में इतना अच्छा लगता है, और जब भी मैं सेट पे आती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी. आई सॉ हर फ्रॉम डिस्टेंस अभी एंड आई शाउटेड लाइक इन माय इंटरव्यू दैट ऐशिता इधर आ. हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कैमरा के सामने, वी आर लाइक दिस, या सब अच्छे हैं ऐसे है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं, अगर सब अगर ऐसे आ जाएंगे, हम सी, क्योंकि मैं बार बार हमने यही कहा है, दोबारा यही कहूंगी कि अगर कोई शो इतना लंबा चल रहा है या इतना अच्छा कर रहा है, उसका एक मेन सोल रीज़न ये होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है सबका, जितने भी आर्टिस्ट हैं या यूनिट है, बाकी के यू नो द होल टीम, चाहे इट इज़ कैमरा, प्रोडक्शन एंड हेयर, मेकअप, ड्रेस, एवरीबडी हियर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एवरीबडी इज़ पॉजिटिव, सबका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, हम बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से हर रोज़ यहाँ काम करते हैं, और देखिए ना उसके बदले में कितना सारा प्यार मिल रहा है, और क्या चाहिए. सारे ऑडियंस को यही कहूँगी, जिस तरह आपने आज तक हमें इतना सारा प्यार दिया है, 900 एपिसोड पूरे करवाए हैं, और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम और खूब सारे एपिसोड्स आप सबको दिखा पाएँ और खूब सारा एंटरटेन कर पाएँ, और हम दोनों को भी प्यार दीजिए बहुत सारा. एंड देखते रहिए हमारा शो नत कृष्ण और गौरी की कहानी. नज़र आ गई ना, नज़र आई है, और इसके बाद हो सकता है कि पता नहीं कहाँ नज़र आए, मतलब मैं आपको हिंट दे रही हूँ. अभी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही नहीं आई है ये आज, यार शायद कहीं तो नजर आएगी आके शो में या दूसरे शो में, पता नहीं, देखते हैं. अभी तो नहीं पता, दैट थिंग्स आर इन मतलब पाइपलाइन में है, जब जैसी चीजें हो जाएगी सो आपको पता चल जाएगा, बट टुडे आई एम रियली हैप्पी. बोलना था ना, हाँ यही बोलना था, एंड मैं बोलने वाली हूँ कि मैं अभी नजर आने वाली हूँ, बाद में बताऊंगी. मैसेज करके आप अपना नंबर दे जाओ, मैं मैसेज कर दूंगी. बट या बस ये खुशी मनाने आई हूँ, सो आई एम रियली हैप्पी. सो यस, सो कीप वॉचिंग नत कृष्ण एंड गौरी की कहानी. हम यही कहना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बहुत खुशी है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, और 900 एपिसोड पूरे हुए हैं दर्शकों के प्यार की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप मीडिया पर्सन जो हमारे सेट पे आते रहते हैं और हमारे दर्शकों को बिहाइंड द कैमरा चीज़ें दिखाते रहते हैं, जो वो भी हमारे ऑडियंस बहुत शौक से देखते हैं और हमें मेंशन करते हैं, टैग करते हैं, हमें बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं, तो आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमने 900 एपिसोड पूरे किए हैं, और जल्दी हम 1000 एपिसोड पे भी मिलने वाले हैं यार. बड़ी खुशी की बात है यार, 900 एपिसोड पूरे कर लिए हमने. मैं मिडवे में ज्वाइन किया था, मैंने आई थिंक 550 पे एपिसोड्स को समथिंग था जब मैंने ज्वाइन किया, और बड़ी खुशी की बात है कि 900 एपिसोड तक हम आ गए. कोशिश यही है कि आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहे, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए. देखिए, आप लोग प्यार करते रहेंगे तो हम लोग हैं, अच्छा काम करते रहेंगे. आप लोग जिस दिन प्यार करना छोड़ देंगे उस दिन गायब हो जाएंगे, सिंपल सी बात है यार. अपनी तरफ से सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने की हर दिन कोशिश करते हैं. खुशी हो रही है यार, हर किसी को खुशी होती है जब उसका शो ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता है. आई थिंक दंगल का पहला शो होगा ये जिसने 900 एपिसोड कम्प्लीट किए हैं, एंड शायद पहला शो होगा जो 1000-2000 एपिसोड कम्प्लीट करेगा. बहुत एफर्ट्स डालने पड़े, मेहनत तो होती ही है ऑफकोर्स, क्योंकि हम दिन में कम से कम 12-13 घंटे तो शूट करते ही हैं. कई कई बार टेलीकास्ट प्रॉब्लम की वजह से हमें 15-18 घंटे भी शूट करना पड़ता है. और जब शो हमारा चालू हुआ था तब तो हमेशा ही 14-15 घंटे हम शूट करते थे, कभी कभी इससे भी ज़्यादा शूट करते थे. तो मेहनत तो है ही, लेकिन किसी एक की मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत है. क्योंकि एक शो अगर बनता है, अगर चलता है और एक शो को प्यार मिलता है, तो वो पूरी टीम की मेहनत होती है, सभी कलाकारों की मेहनत होती है, सारे किरदार जितने भी हैं, चाहे वो दादी हो, चाहे वो हमारी माँ हो, इनकी माँ हो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में, सबकी मेहनत है. सब लोग बेस्ट करते हैं, सब लोग अपने काम में जान फूंक देते हैं, और हमारी टीम की मेहनत है, डायरेक्शन टीम की मेहनत है, हमारे कैमरा टीम की मेहनत है, हमारे प्रोडक्शन टीम की मेहनत है. तो सभी लोगों की मेहनत की वजह से एक अच्छा शो बनता है, और उसको जब दर्शकों का प्यार मिलता है तो हमें लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई. तो बस आप ही की वजह से हमारी मेहनत सफल हो पाई है. सो थैंक यू सो मच. ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, और ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे जी तोड़.
हाँ सबको मिस कर रही हूँ, काश सब लोग यहाँ होते। बहुत सारे ट्रैक्स आए, लीप भी लिया हमारे शो ने, इसके पहले भी लीप लिया था एक बार, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, पाकिस्तानी ट्रैक, हमारा पहला शो है जिसने पाकिस्तान भेज दिया था मुझे और पाकिस्तानी की कहानी पाकिस्तानी ट्रैक था, पूरी फैमिली आई थी और उसमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ और अभी भी वो मेरे टच में हैं। तो सभी लोगों को बहुत याद कर रही हूँ, सबका नाम नहीं ले सकती, शाहबाज खान सर आए, बहुत उर्वशी बेन आई, बहुत सारे लोग आए। सो यस, सबको आज मिस कर रही हूँ, उन लोगों का भी अहम योगदान रहा है हमारे शो में, जब वो लोग आए तब भी TRP हमारी बढ़ती थी और उनको भी लोगों का प्यार मिलता था, तो सबके योगदान से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है उनका भी योगदान रहा है हमारे शो को आगे बढ़ाने में, सो थैंक यू सो मच उन सभी कलाकारों का जो हमारे शो में आए और अभी वो हमारे साथ नहीं है लेकिन हम उनको मिस करते हैं और आपका भी अहम योगदान था, सो थैंक यू सो मच। यार आई थिंक कोई भी काम आप शुरू करते हो किसी भी फील्ड में तो मुश्किल तो होता ही है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से 100% दे सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि मैं अपने काम को कैसे और अच्छे ढंग से दिखा पाऊँ या कर पाऊँ। मैं भी वही कर रहा था यार, कोशिश कर रहा था कि अपने काम को अच्छे से निभा पाऊँ जो जीत का कैरेक्टर मुझे मिला है, एंड आई थिंक ऑडियंस का प्यार भी मिला है जीत को, बड़ी खुशी है। चैलेंजेस मैं इतने मानता नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मैं हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, आई थिंक आप हार्डवर्क करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, उस चीज़ के प्रति आपका एकदम लक्ष्य सेट है कि मुझे यही करना है एंड मुझे इस किरदार को एक अच्छे स्टेप पे लेके जाना है, एक स्टेप आई थिंक मैं हर दिन बढ़ता हूँ अपनी लाइफ में, हर दिन मुझे कुछ ना कुछ एज एन आर्टिस्ट सीखने को मिलता है। आप लोग ऐसे प्यार करते रहिए, बस वही है यार मेरे लिए हर दिन बेस्ट है, हर मोमेंट बेस्ट है, आई थिंक जो मोमेंट एक बार चला गया वो वापस आता नहीं है, तो आई थिंक मैं अपनी हर मोमेंट्स को जीता हूँ यार, हर मोमेंट बेस्ट है, आप लोगों के साथ अभी का मोमेंट बेस्ट है, एक बार ये चला गया फिर वापस नहीं आएगा, तो आई थिंक आई लिव इन टुडे। बेस्ट को एक्टर हमारे शो में लकीली सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, एज अ पर्सन सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो पहले भी आए हमारे शो में गए बहुत सारे लोग और अभी भी जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सो लकीली हमारे शो के लिए ये अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है कि जितने भी लोग आए और जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो किसी एक को अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि सभी अपना 100% देते हैं काम में भी और एज अ पर्सन भी, सो यस सब लोग बहुत प्यारे हैं। ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और ताकि हमारा शो और भी लंबा चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे और हम मिलते रहें मिलते रहें मिलते रहें। थैंक यू, जस्ट कीप लविंग आवर शो यार, आप लोग प्यार करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, हमें प्यार करते करते अपना ध्यान रखना मत भूल जाइएगा तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो, कीप लविंग योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे क्लीन, लव योर पेरेंट्स, लव योर कंट्री, थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.